समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, फिर से बताओ क्या हुआ है। साहब, सीमा जी सालों से हमारे बुटीक में आती हैं और मैडम की रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, क्या रिश्ता है आपका? जी, वो मेरे पति की बहन है। और ये बुटीक आपका है? जी। फिर आगे क्या हुआ? साहब, आज करीब 11 बजे वो यहाँ से अंदर आई। हाय। हाय बलविंदर। हेलो। रश्मि नहीं आई? नहीं मैडम, अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, मुझे कुछ पर्सेस दिखा दो ना, कल मुझे पार्टी में जाना है। आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, पर्स ही पर्स हैं। या सीमा, यह क्या? राजेश का एक्सीडेंट? और ये कैसे हुआ? ओह माय गॉड, अब कैसे है वो? कहाँ पे? नगीनदास रोड पे। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ देखिए, हाँ मैं पास ही में हूँ, एलिगेंस बुटीक में। जी पा रही है? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मैं ही उन्हें अस्पताल लेकर जाऊँगी। बस फिर वो जीप में बैठकर चली गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद रश्मि मैडम आई तो मैंने इन्हें बताया। जैसे ही मैंने सुना, मैं नगीनदास रोड की तरफ भागी। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो अभी भी इंक्वायरी कर रहे हैं। लो आगे। नहीं, किसी ने भी देखा नहीं एक्सीडेंट होते हुए, और पुलिस को भी कुछ पता नहीं है। और सीमा का मोबाइल फ़ोन भी बंद है, अचानक फ़ोन कैसे बंद हो गया? ये लोग CID से। आप में से किसी ने सीमा के हस्बैंड से बात करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, घंटी बज रही, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा। और उनके घर में जो लड़का काम करता है वो भी छुट्टी पे है। आशा, तुम एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो, देखो ये सफ़ेद जीप मिलती है क्या। और आप सब लोग मेरे साथ राजेश के घर आइए। राजेश की कार है? हाँ। बोनेट गरम है, गाड़ी चली हुई है, कहीं वो यही तो नहीं है? राजेश, सीमा, सीमा, राजेश यहाँ पर है। यही तो है राजेश, फिर शुरू हो गई इसकी दारू। 10-10 दिन तक बीता रहता है। उठाओ इसे। राजेश, राजेश, राजेश नहीं उठ रहा है। पानी मारना पड़ेगा। दारू ही मारो, पानी क्यों मारते हो? कुछ भी मारो, उठाओ इसे। सुबह हो गई क्या? सुबह तो कब की हो चुकी है। क्यों है तू यहाँ पे? तू फोन नहीं उठा रहा था तो मैंने तेरे सारे पेट्रोल पंप में फोन करके पूछा, तू वहां नहीं मिला तो मैं यहाँ आया तुझे ढूंढते ढूंढते। परसों मुझे ढूंढ क्यों रहा है यार? ये इतने सारे लोग, आप लोग अंदर कैसे आ गए? राजेश, ये लोग CID से हैं। CID यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपना सेल फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्यों? फोन? हाँ फोन। फोन तो मेरा खो गया, पता नहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ गया? खो गया? लेकिन क्या हुआ है? आपको नहीं मालूम क्या? आपकी वाइफ को इनकी बुटीक पे किसी ने फोन करके बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस की जीप उसे लेने आ रही है। वो एक जीप में बैठ के चली गई है, तब से गायब है। हाँ, अब सीमा को कोई पता नहीं है। देखिए मैम, मैं तो कल शाम से पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, यहीं इसी घर में पी रहा हूँ मैं। सुबह तो उठे होंगे आप, वो भी नहीं?
सुबह उठे कि नहीं आप? सुबह, हाँ सुबह उठा था वो, सीमा ने कप चाय दिया फिर उसके बाद चली गई वो। सीमा दिखती कैसी? सीमा की तस्वीर है घर में। तस्वीर? हाँ वो उधर बेडरूम में, शायद ड्रॉअर में होगी वो। उसके बाद आपकी वाइफ के जाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं फिर पीने लगा। मैं सुबह सुबह मैं तो सुबह से ही पी रहा हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। आप सुबह से बाहर नहीं गए ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी गाड़ी का इंजन अभी तक गर्म है और आप कह रहे हैं आप बाहर नहीं गए? इंजन गर्म कैसे हो गया? ये लीजिए तस्वीर। हाँ शाह बोलो, कहाँ पे? आरे में? ठीक है तुम डॉग स्क्वाड को बुलाओ, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। सुना राजेश जी, जिस जीप में आपकी वाइफ गई थी वैसी सफ़ेद जीप हमें आरे कॉलोनी में मिली है, लेकिन उसमें सीमा जी का कोई अता पता नहीं है और उसमें हाथापाई के निशान भी हैं। अभी भी वक्त है, सच सच बता दीजिए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, आपसे बाद में मिलते हैं। मैं भी चलूं आपके साथ। रश्मि, मैं इसके साथ यहीं रुकूं? अच्छा ठीक है, ऐसी हालत में पता नहीं क्या कर दे। आशा अब बताओ क्या क्या है? सर ये जीप चोरी की है, मालिक रिपोर्ट लिखवाने जा ही रहा था तभी उसे पता चला कि सीआईडी को सफेद जीप की तलाश है। अंदर कुछ मिला? सर अंदर ये मिला है। अरे ये तो सीमा का इयररिंग है। ओह माय गॉड, तो यही वो गाड़ी है जिसमें सीमा को ले जाया गया है? हाँ सर, कांच टूटा हुआ है, खून भी लगा हुआ है। यहाँ काफी कुछ हुआ है बॉस। ये देखिए सर, यहाँ भी ये देखिए। एक बड़ी अजीब बात है सर, गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है, सारे निशान मिटा दिए किसी ने। ये सीमा का ब्लड ग्रुप क्या है आपको कुछ पता है? हाँ, बी पॉजिटिव। हमारे एक रिलेटिव की सर्जरी हुई थी तो हम दोनों खून देने गए थे। मगर ये सीमा है कहाँ? डॉग स्क्वाड रेडी? यस सर। सीमा का जो कपड़ा लाए हैं वो लेके आओ। चल गुड बॉय। क्या स्मेल? कौन स्मेल? कौन सर्च स्मेल? कौन कौन मेटल स्मेल? सर्च गो कौन स्मेल? सर्च वेरी गुड कम ऑन कौन सर्च कौन गो स्मेल स्मेल? लोगों को ये सब लफड़े करने का टाइम कहाँ से मिलता है और ऐसी जगह कैसे ढूंढ लेते हैं? सुनना क्या है, इस रास्ते से रोज गुजरो तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे किसी को भी मार के फेंका जा सकता है। स्मेल सर्च वेरी गुड स्मेल स्मेल सर्च। इसका मतलब जिसने भी ये सब किया है वो ये कहीं आसपास का रहने वाला होगा, नहीं तो उसे इस जगह का पता कैसे चलता है शहर से इतनी दूर। क्या हुआ? लगता है हम लोग शहर की मक्खियों के रास्ते में आ गए। आसपास कहीं छत्ता होना चाहिए। कौन स्मेल स्मेल? पूरा देखा कितना बड़ा है, एपिस डोसाटा है, इतनी बड़ी मक्खी है, 15-20 अगर किसी को काट ले तो आदमी मर सकता है। सीमा! क्या हुआ? सर लाश है। अच्छा नहीं सर, ये सीमा नहीं है। सीमा नहीं है? नहीं सर। स्मेल सर्च गो कौन स्मेल सर्च वेरी गुड कम ऑन कौन सर्च स्मेल। नहीं ये सीमा नहीं है। थैंक गॉड। तो फिर कौन है ये? मुझे नहीं मालूम। कितनी अजीब बात है, गायब सीमा हुई है और लाश किसी दूसरी औरत की मिलती है। सर सर डॉग और आगे जा रहा है। अभी आगे कहाँ जा रहा है? इसका मतलब सीमा को यहाँ से आगे ले जाया गया है।
Come on, smell. Come on. Good boy. Good boy. Come on, smell. Smell. Good boy. Come on, smell. Smell. Sir, इसके लिए डॉग नहीं जा रहा. ठीक है, आप जाके बैठो. वो लोग यहीं से गायब हो गए. सुधाकर. सर. देखो वहाँ एक लाश पड़ी है. आशा भी साथ में है. देखो जाके. ओके सर. ये देखा तुमने, टायर के निशान साफ नहीं है मगर फिर भी दिख रहे हैं. टायर की चौड़ाई से तो लगता है कि कोई मिड साइज कार है. अभिजीत, एक खबर और है. ये लड़की जहर खा करके मरी है. जहर खा के? मतलब जीप में खून इसका नहीं है? नहीं, वो तो सीमा के खून से मिलता है, बी पॉजिटिव. जहर खुद खाया होगा या किसी ने? हाँ, किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला करके पिला दी. जरा ज्यादा ही मिला दी. सीमा का क्या हुआ होगा? अब जिससे ये बात पूछ सकते थे वो तो वहां पड़ा हुआ है तुन्नो के. वो यहाँ है सर, मैं उसे ले आया. राकेश आइए, आप ही का इंतजार था. सरकार, अगर होश में आ गए हो तो एक लाश दिखा सकते हैं आपको. हाँ? लाश दिखा सकते हैं आपको? एक लाश? नहीं, लाश मैं नहीं देख सकता. लाश में घबराइए मत, लाश सीमा की नहीं है. थैंक गॉड, इसका मतलब मेरी बहन जिंदा है. नहीं, लेकिन फिर भी ना मैं लाश नहीं देख सकता. मैं सीमा की नहीं तो देख लो. नहीं, मैं लाश नहीं देख सकता. मैं देखिए, प्लीज, मैं कह रहा हूँ मैं लाश नहीं देख सकता. मैं चलिए तो लाश नहीं देख सकता. मैं नहीं, मुझे मुझे मत नहीं करना. नहीं, मैं लाश नहीं देख सकता. नहीं, मैं नहीं, लाश नहीं देख. देखो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे लाश नहीं देख सकता. नहीं देख. आप इसे पहचानते हैं? नहीं, नहीं, मैं पहले से कभी नहीं देखा. मैंने पहले कभी नहीं देखा. मुझे मुझे एक ड्रिंक मिल सकता है क्या? मेरी हालत बहुत खराब है. मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ. इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है. ले जाइए आप. या हाँ सुधाकर, गुड वर्क. और किससे पूछा? सुपर्ब, गुड पीस ऑफ पुलिस वर्क. आजकल खा क्या रहा है? हाँ, ओके. क्या हुआ? सुधाकर का फोन था आरे से. अच्छा काम किया उसने. Good. अपने काम में लगा हुआ है. हर एक आदमी से पूछताछ कर रहा है वो. उसे एक आदमी ऐसा मिला जिसने आज एक सफेद गाड़ी वहां खड़ी देखी थी, करीब 12:45 बजे. सफेद गाड़ी? सफेद गाड़ी तो राजेश के बंगले के बाहर भी खड़ी थी, याद है? बोनेट गरम था. हाँ, मतलब 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 कहीं राजेश तो नहीं गया आ रहे में. रुको उसे. तेरा कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा मुझे. यहाँ सीमा गायब है और तू, तुझे कोई फिक्र ही नहीं है. तू नजर आए? रुको, रुको. टायर मिला के देखो. यस सर. देखो मैच होते हैं क्या? मैच हो रहा है सर. मैच हो रहा है. मिस्टर राजेश. हाँ? आप कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर आइए. क्यों क्यों? इधर आइए आप, इधर आइए. दिखाओ इन्हें, ये देखिए, आपके टायर इस फोटो से मैच हो रहे हैं. इसका मतलब आपकी कार आरे में थी जहां से लाश मिली है. मुझे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. समझ में नहीं आ रहा ना? अभी सब समझ में आ जाएगा. उधर चलिए आप, ये कार की तलाशी लो. यहां खड़े रहिए. आ रही आप. अरे मैं आप हार आइए. क्या हुआ? क्या मैंने? आप इधर आइए. उधर आइए. मैं डिक्की खोलूं. हां, वाशी का टोल टिकट, वो भी आज का. अभिजीत, हाँ, ये देखो, आज का टोल टिकट वाशी का, मतलब ये गाड़ी आज शहर से बाहर गई थी. देखा, मैंने कहा था ना राजेश के घर के बाहर बोनेट गरम है. इसका मतलब कार चली हुई थी. मिस्टर राजेश. हाँ? आपकी कार वाशी में कहाँ गई थी? वाशी में? मिस्टर राजेश,
काफी बड़ा बंगला बनाया आपने वाशी में। एक एक कोना छान मारो यहाँ का। ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, वैसे भी 2-3 घंटे हो गए, मेरा गला बहुत सूख रहा है, क्या ना टेंशन में बहुत प्यास लगने लग जाती है। साहब को जरा पानी पिलाओ। पानी? अरे पानी से क्या होगा। ये सीमा ही होगी। सीमा ही है, जिंदा नहीं है। सुधाकर सर, अभी इसको बुलाओ और कार इस तरफ लगाओ। साथ में बैग भी पड़ा है, इसे भी यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। देखो, खोल के देखो। सेल फोन है। जरा देखो आखिरी फोन किसका आया है। राजेश लिखा हुआ है। राजेश, जरा इस नंबर पे डायल करो। ये है आपका फोन है। राजेश जी, आप कहते हैं कि आप सुबह से घर पे ही हैं, पर आपकी कार आरे में देखी गई, फिर वो कार वाशी आई। आपका कहना है कि आपने अपनी वाइफ को फोन किया ही नहीं, पर आपका नंबर यहां पर है। मोबाइल खोया आपका मुंबई में और मिल रहा है यहां पे, जहां पे सीमा की लाश पड़ी है। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत यार, क्या यार अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहां क्या हुआ है। ऊपर से एक नया चक्कर, कल सुबह मिलते हैं, यहाँ बहुत देर लगने वाली है। और उन्हें बोलो उसकी 3-4 फोटो भी लेकर आए। सर वो बेटी के लिए आए। नमस्ते देवेंद्र साहब। नमस्ते। कुछ पता चला आपकी बेटी का? नहीं, पुलिस ने हमें कहा कि CID में जाओ, तो हम रात को यहाँ आए थे, मगर आप वाशी में थे तो मिले नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने हमें यहाँ भेजा ही क्यों। नहीं, उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग जल्दी ढूंढ देंगे आपकी बेटी को। हाँ प्लीज, हमारी तो जान निकली जा रही है, कल से गई है अभी तक नहीं आई। आपके घर में और कौन कौन है? हम तो अपनी बेटी और जमाई के साथ ही रहते हैं। वो अभी कहाँ है? वो बाहर गया हुआ है, काम के सिलसिले में टूर पे जाता रहता है, करीब 15 दिन बाहर रहता है, है ना? अच्छा, जरा वो फोटो दिखाइए। फोटो लाए ना आप लोग अपनी लड़की की? हाँ, जरा वो फोटो दो ही नहीं। हाँ देती हूँ, लीजिए, जितनी मिली सब लाई हूँ। ओह माय गॉड, ये तो वही लड़की है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कौन है? ये तो हमारी लड़की है। और ये? ये हमारा जमाई है प्रकाश, हम इसी के घर में रहते हैं। ये इनका दामाद है प्रकाश। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।